फर्स्ट टॉपिक पे अपनों ने कर लिए। लास्ट टॉपिक बचा है अपना मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक है, तो आज अपने ह्यूमन आई इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्या इसके अपने पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे आंख एक स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। अब देखो अब इसका पार्ट करते हैं अपने कैसे ऊपर। देखो सबसे पहले जो मानव नेत्र है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक। कुछ बेसिक सी चीजें पहले वो देख लो। नेत्र गोलक, गोलक गोलक में गोला, देखो गोले जैसी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गोलक नेत्र गोलक। अब बात करते हैं कितनी बड़ी होती है इसका साइज। तो देखो यहाँ पे इसका चलो व्यास लिखते हैं। तो नॉर्मली अपनी जो मानी जाती है कि ये व्यास की होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का अपने व्यास की होती है। स्केल देख लेना, उससे नाप के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी अपनी आंख होती है। ठीक है, दो मेन चीजें थी देख ली उन्होंने, नेत्र गोला कहते हैं, ये हो गया व्यास। अब जो प्रकाश की किरण है ना, यहाँ से होती हुई जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या कुछ होते हैं, इनके पार्ट्स के नाम वगैरह। अंदर जब जाएगी ना, इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे प्राप्त होगा अपने को, तो उसी की वजह से यहाँ से जो सिग्नल है होते हुए, ये होती है दिक् तंत्रिकाएं। दिक् तंत्रिकाएं कहाँ से कनेक्टेड होती है, अपने माइंड से कनेक्टेड होती है, और उसी की वजह से सब कुछ शुक्रिया की होती है। और अपने को क्या कहते हैं, इमेज या अपने को प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपर। ये देखो ये क्या है अपने पास, ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर की लेयर ये है श्वेत पटल। श्वेत पटल नंबर वाइज पढ़िए, एक नंबर दे दो इसको। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, श्वेत पटल। श्वेत मतलब साफ, जो सफेद रंग का ही होता है। ठीक है, और कैसा होता है, एक बाहरी आवरण होता है और पूरी आंख को एक सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे करते हैं साथ के साथ में लिख लेते हैं, श्वेत पटल क्या होता है, बाहरी आवरण होता है। चलो इसका सीधा काम लिखते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करता है पूरी आंख को। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, सफेद रंग का होता है ये बाहरी आवरण। ये देखो ये वाला, ये इधर से ये और घेरा ये सफेद कलर का होता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है और कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी तो सभी को पता है कि इससे जो है लाइट या कोई भी चीज जो आर पार नहीं जाएगी। ये तो हो गया श्वेत पटल। अब बात करते हैं इस पार्ट की, इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्या होता है ये, कॉर्निया। देखो ये जो श्वेत पटल है इसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, कॉर्निया। ये जो है ना पारदर्शी होता है, देखो ये तो अपारदर्शी था लेकिन इतना पार्ट जो क्या है इसका, पारदर्शी होता है। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं नंबर 1 पे कॉर्निया। मैं थोड़ा सीधा सा लिख रही हूं, आप थोड़ा डिटेल में देख लेना। कॉर्निया, कॉर्निया किसका, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। किसका उभरा हुआ भाग, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग। और कैसा होता है ये, पारदर्शी, क्योंकि यहीं से होकर जो प्रकाश की किरण है या जो कोई भी वस्तु है वो यहीं से होकर अंदर प्रवेश करती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और अपने को वस्तु दिखाई देती है। श्वेत पटल, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद बात करते हैं अपने इस चीज की, ये रहा, या ये कह लो ये जो मांसपेशियां से आपको दिख रही है, ये भी दोनों, इसको क्या कहते हैं अपने, ये दो नंबर था, इसको कर लो परितारिका। परितारिका ठीक है, परितारिका। कॉर्निया के पीछे जो मांसपेशियों का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता, सॉरी परितारिका कहलाता है। देखो परितारिका क्या होता है, परितारिका। कॉर्निया के पीछे जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, परितारिका। किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे। स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से सब चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। कॉर्निया के पीछे की मांसपेशियां क्या होती हैं, ये मांसपेशियां। ठीक है, ये भी अपारदर्शी होती हैं। देखो अपारदर्शी भाई, अपने से जो है प्रकाश को बाहर नहीं जाने देगी। कॉर्निया के पीछे दो, ये जो दो आपको दिखाई दे रही है मांसपेशियां, ये होती है परितारिका। कैसी होती है, इसको चाहे ऐसे कह लो ब्लैक कलर की होती है या इसको ऐसे कह लो कि
सिर्फ इसी में से जाएगी, इन दोनों में से लाइट होके नहीं जा सकेगी। ठीक है, अब बात करते हैं छिद्र की। फोर्थ नंबर पे ये क्या कहलाती है अपनी पुतली, इसको प्यूपिल भी बोल देते हैं इंग्लिश में, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए ना, पुतली। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया, पुतली। देखो साथ के साथ समझते जाओ, साथ के साथ करते जाओगे तो अच्छे से समझ आएगा। पुतली जो अपने पास परितारिका के बीच का जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। यहीं से होकर जो प्रकाश किरण है अंदर जाती है। लिखो यहाँ पे, परितारिका के बीच का छिद्र, परितारिका के बीच का छिद्र, छिद्र क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। पुतली देखो नॉर्मल अपने आप अंदर, ये देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा बना लो, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है अपने पास। ठीक है, यूं देख लो ऐसे, ये बीच में जो गोल ये निशान होता है ना अपने, ये क्या होती है आपकी पुतली होती है। ये इसके साइडों में मांसपेशियां कह लो, ठीक है, ये पुतली है ना, ये मैं दो बना ली है। देखो ये लो, एक तो ये ही पुतली, एक ये ही पुतली, दोनों में तो फर्क लग रहा है, डेफिनेटली फर्क है। ये पुतली क्या है, बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। बड़ी छोटी क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है कि जब तो अपने प्रकाश के अंदर होते हैं, देखो जब अपने कहाँ होंगे, प्रकाश के अंदर, मतलब जैसे धूप में खड़े हैं अपने, तो इस पुतली का जो है क्या जो आकार बिल्कुल छोटा बचेगा, खुद को सिकोड़ लेगी, सिकोड़ लेगी। ठीक है, इसका आकार छोटा हो जाएगा, किसका आकार छोटा हो जाएगा, पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। और जब अपने अंधेरे में होंगे, देखो सिंपल सी बात है, अंधेरे में देखने के लिए अपने को प्रकाश चाहिए होता है, तो ये अपने आकार को क्या करती है, फैला लेती है। फैलाएगी तो क्या होगा, प्रकाश ज्यादा अंदर जाएगा और अपने को अंधेरे में भी वस्तु का एहसास हो जाता है। तो अंधेरे में कैसा कर लेती है, ये अपना आकार बड़ा कर लेती है, अंधेरे में अपना आकार बड़ा कर लेती है। मतलब बात सीधी सी है कि वस्तु को देखने के लिए ये जो अपनी है ना पुतली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा हो जाती है, छोटी हो जाती है, तभी अपने को अगर अंधेरे में अपने कुछ चीज देख रहे हैं तो अपने को एहसास हो जाएगा कि वहां कुछ पड़ा है। क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि रेटिना में प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ से फोर तक अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, ये बात होगी पुतली की। पुतली के बाद बात करते हैं अपने लेंस की। ये देखो ये रेड कलर में मैंने बनाया, रेड कलर का नहीं होता लेकिन वैसे मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करके बनाया। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस देखो ये रहा, कहाँ है, ये मांसपेशियों के मतलब परितारिका के पीछे। ठीक है, नेत्र लेंस देखो यहाँ पे पांचों है अपना नेत्र लेंस। सबसे पहले देखते हैं नेत्र लेंस। लेंस का नाम आ गया तो सिंपल सी बात, उत्तल लेंस, अवतल लेंस अपने आप याद आ जाते हैं। उत्तल लेंस के मैंने आपको तीन प्रकार पढ़ाए थे, उनमें से एक होता है ये वाला लेंस, ये हो गया उद्योत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस जो अपनी आंख में होता है वो ये वाला लेंस होता है। उत्तल लेंस का ही एक प्रकार है उभयोत्तल लेंस। ठीक है, जो नेत्र लेंस होता है ना बहुत ही ज्यादा अपने मतलब ऐसे चिकना होगा, इसको आप ऐसे हाथ में लोगे ना ये फिसल जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। और कैसा होता है, पारदर्शी होता है, तभी तो यहाँ से किरण क्या होगी आगे अपवर्तित होगी। ठीक है, पारदर्शी है, उभयोत्तल लेंस है, और क्या है, बहुत ज्यादा चिकना होता है, इसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये मैं सोच रहा कि कांच का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये नेत्र लेंस। अब देखो आप खुद देख लो, ये नेत्र लेंस किन पे टिका हुआ, ये देखो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखो ये क्या है, ये इनको बोल दिया आपने पक्षमाभ पेशियां, एक ये रही और एक ये रही, छह नंबर लिख लो पक्षमाभ पेशी। देखो पक्षमाभ पेशी सीधा सीधा सा डायग्राम से पता चल रहा है कि जिसने क्या कर
ये आपको एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये हो गया आपका अपना रेटिना, सेवन रेटिना। सिंपल सी बात है, अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉर्निया व नेत्र लेंस से प्रकाश जब अपवर्तित होकर जहां पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, वो रेटिना कहलाता है। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, होता है कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा। चलो देखो, लिखते हैं, एक मिनट, ये मैं साफ कर रही हूँ, हाँ देखते हैं। रेटिना की बात हो रही थी, सेवन नंबर अपने पास है रेटिना। रेटिना पे पहली बात तो क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु अपने देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है अपने को रेटिना पे। रेटिना पे नहीं बनता, आगे पीछे बनता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, कि वस्तु साफ से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है अपने को, उल्टा और वास्तविक। कैसा प्राप्त होता है, उल्टा और वास्तविक। देखो आप कहोगे कि अरे उल्टा दिख रहा है तो अपने को चीज उल्टी दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से कुछ जो तंत्रिकाएं होती है जुड़ी हुई होती है किसके साथ, मस्तिष्क के साथ। किसके साथ जुड़ी हुई होती है, मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई होती है। और मस्तिष्क जो है ना, अपनी क्रियाविधि करके जो भी है अपने को प्रतिबिंब कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। बनता हमेशा उल्टा है, लेकिन दिखाएगा अपने को कैसा, सीधा दिखाएगा। देखो यहाँ से होती हुई ये बीक तंत्रिकाएं होती है, इनके ये माध्यम, ये कनेक्ट होती है मस्तिष्क से, इनके माध्यम से हमें जो वस्तु सीधी दिखाई देती है। इसको भी कर लो, आठ नंबर डालोगे आप, ये दिक् तंत्रिका, दिक् तंत्रिका। मैंने काम आपको बताई दिया कि रेटिना से जो भी सिग्नल मिलता है उसको कहां पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इनका होता है। ठीक है, रेटिना हो गया अपना, दिक् तंत्र हो गया। अब एक लास्ट देखो, यहाँ पे अपने कर रहे हैं, ये अपने जो अंदर का पॉइंट है, देखो ये रहा, ये रहा, ये अंदर की जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो अंदर की संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं अपने रक्त पटल। क्या बोलते हैं इसको अपने, रक्त पटल। जो श्वेत पटल के अंदर की तरफ जो संरचना बनी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। कैसे होती है, काली होती है। काली इसलिए होती है ताकि जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करे तो सीधी रेटिना बन जाए, कहीं यहाँ तक आ गई और ये काली नहीं हुई तो फिर इसको मतलब प्रावर्तित कर देगी, तो प्रावर्तित कर देगी तो अपने को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए क्या होती है, काली होती है। चलो साथ ही साथ लिखते हैं अपने, आठ नंबर पे क्या था, दिक् तंत्रिका है, इसका काम मैंने आपको बता दिया है, दिक् तंत्रिका। नेक्स्ट नौ नंबर पे था अपना रक्त पटल। रक्त पटल कैसा होता है, इसकी काला होता है। क्यों काला होता है, ताकि ये प्रकाश के प्रावर्तन को या पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन को रोक सके और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो जाए, अपने को रेटिना पे प्राप्त हो जाए। देखो लगभग सब चीजें हो गई है, श्वेत पटल, कॉर्निया, परिकारिका, पुतली हो गई अपना, नेत्र लेंस, पक्षमावपेशी होगी, रेटिना होगा, ठीक है, दिक् तंत्रिका है, रक्त पटल होगा। अब बात करते हैं, ये अपने मैंने जो रेड रेड डॉट बना रखे हैं, ये डॉट क्या चीज है, देखो ये वाली, ये इसके अंदर डॉट क्या चीज है, ये है कचाव द्रव। मैंने इसमें लिक्विड दर्शाया है, ये रेड डॉट से, ये क्या है, कचाव द्रव। कचाव द्रव किस किस के बीच होता है, देखो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। दस नंबर पॉइंट है अपना कचाव द्रव। किस किस के बीच होता है, देखो ये रहा नेत्र लेंस और ये रहा रेटिना, तो किसके बीच होगा, नेत्र लेंस है रेटिना के बीच, रेटिना के बीच। एक द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं, अपने कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव तो हो गया, लेकिन एक और द्रव होता है अपनी आंख के अंदर, पॉइंट नंबर 11 डालना, कौन सा द्रव होगा, जलीय द्रव। जलीय द्रव कैसा होता है, ये नमकीन होता है। जलीय द्रव होता क्या है, देखो ये रहा, ये मैंने जो डॉट डॉट किया है ब्लू अपने मार्कर से, ये रहा यहां पे होता है जलीय द्रव। 11 नंबर पॉइंट आ गया जलीय द्रव। ये जलीय द्रव क्या करता है अपने, देखो यहां होगा जलीय द्रव। जलीय द्रव जो है ना, कॉर्निया पे दबाव बना के रखता है ताकि आंख क्या रहे, गोल रहे, नमकीन होता है। क्या करता है, दबाव बनाता है। किस लिए दबाव बनाता है, अपनी आंख को गोल रखने के लिए। देखो
होंगी।